सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम आर्ष है। ये हैं आप लोग फिर से यही कहने वाले हो, पंडित जी बड़ी कलकत्ता की कुंडलियाँ आती हैं। और मैं फिर से आप लोगों से बात करूँगा, तुरंत ही सत्ता परिवर्तन जिस राज्य में सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो कोलकाता। मेरा कोलकाता कहने का अर्थ संपूर्ण वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से है। वहाँ पे इतने षड्यंत्र चालू हैं, मेरा बस चले तो मैं आज बदल दूँ, पर मैं किसी चीज़ का अधिकारी नहीं हूँ। आप लोगों के पास ये कार्यक्रम मैं विशेष अनुरोध से बता रहा हूँ, वहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब है। मेरी बात मानिए और मेरी बात समझिए, बिल्कुल ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा सत्ता परिवर्तन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आइए, शुक्र की कुंडली बनी लग्न में, सूर्य की कुंडली बनी लग्न में शुक्र बैठ गए जो तृतीय भाव के अधिपति। कुंडली को ध्यान से समझिए, इस बच्चे की कुंडली में 2018 का ये जातक है और चंद्रमा इसकी कुंडली में कमजोर हैं, क्योंकि उच्च के भले बैठे हैं, ये व्यक्ति को एक जगह टिक करके काम नहीं करने देते। और आयु पक्ष है इस जातक की कुंडली में ठीक बना है, त्रिकोण में शनि बैठे हैं, कम से कम सप्तम यानी कि केंद्र के अधिपति होकर के अपने उच्च की राशि से तृतीय बैठे हैं, ये भी ठीक कही जाएगी पापक ग्रह के लिए। 12वें बुध और राहु डिग्री में काफ़ी है, वहाँ पे कोई जड़ दोष वगैरह नहीं लग रहा है। 11वें के सूर्य हमेशा ही पिता का लाभ और पिता से लाभ, पिता को लाभ, ये होता रहता है। भाग्य भाव ठीक बना है, व्यक्ति उच्चस्थ होता है, पदासीन होता है, साहसी होता है, नौकरी पेशा करने वाला होता है। और साथ ही साथ खुद की नौकरी, खुद का व्यवसाय भी अगर करना चाहे तो व्यक्ति कर सकता है। चंद्रमा मृगशिरा के बैठे हैं, मंगल उच्च के हैं, भाग्येश उच्च का होकर के गुरु से केंद्र में और शुक्र लग्न में विराज रहे हैं, चंद्रमा से शुक्र केंद्र में, इसे बहुत ही ज़्यादा सांत्वना देने वाला और बहुत ही ज़्यादा शुभदायी लक्षणों से युक्त माना जाएगा। जन्म कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा और चंद्रमा और शुक्र, यहाँ भी तीन तीन शुभ ग्रह व्यक्ति के जीवन को आगे, मतलब अभी हो सकता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर हो, बच्चा थोड़ा परेशान हो एजुकेशन में, स्वास्थ्य से, इसका काम कोई भी बनाने चले तो थोड़ी गड़बड़ी हो, पर आगे जैसे जैसे ये जीवन को काट रहा है वैसे वैसे मजबूती की तरफ, और अंत इस जीवन का बड़ा अच्छा और सुदृढ़ होता है। दाम्पत्य के मामले में कोई परेशानी नहीं, व्यापार इस कुंडली का कभी भी कमजोर नहीं, पद व्यक्ति को मिल जाता है, रेगुलरिटी इस कुंडली में नहीं है, कंसंट्रेशन इस कुंडली की कमजोर हो सकती है, स्वास्थ्य में रक्त जनित और पित्त जनित समस्याएं बन सकती हैं। यहाँ मंगल केतु के प्रभाव में है, व्यक्ति कभी भी दुश्मनों से हारेगा नहीं, विपरीत परिस्थितियों से कभी भी हारेगा नहीं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, लग्न की जो स्थिति बनी है और पंचांग की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर व्यक्ति व्यवसायिक है, बैलेंस क्रिएट करेगा और बैलेंस करने वाला भी है। दक्षिणायन में जन्मा है, इस वजह से आत्मबल और पिता का स्वभाव कभी कभी दोनों उतर पतर बनते हैं, कमजोर से बनते हैं। पिता भी थोड़े भविष्य को लेकर के ज़्यादा चिंतित होते हैं, हालांकि पिता सुखोपभोग और उन सभी प्रकार की वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की लालसा पिता की भी बढ़ती है और व्यक्ति की भी होती है। एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो मैं आपको बताऊं, ये व्यक्ति भुजाओं का मालिक है। भुजाओं का मालिक कहने का अर्थ है कि इसकी पहचान बड़े लोगों तक होगी। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मा है ये, हाँ, और जहर की तरफ फैलने वाला है। कंठ में हाथ डाल करके किसी की भी बात निकाल ले और साहसी इतना कि कोई इसको हरा ना पाए। किसी भी विषम परिस्थिति में कभी भी तोड़ मरोड़ करके अपने आप को निकाल ले और कभी भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हारे नहीं या निकल जाता है। साज सामान, बर्तन धातु, बिजली और चौपाया जानवर, चौपाया भूमि भवन वाहन का सुख, ये इस कुंडली में कभी कमजोर नहीं है, क्योंकि चतुर्थ स्थान ये कुंडली में नौकरी के योग भी पैदा कर रहे हैं। और कम से कम दशम स्थान के अधिपति लग्न में व्यक्ति को तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाने वाला भी देख रहा हूं बनते। वृद्धि ही करेगा, कभी डिमोलिश नहीं होगा, कष्ट ये कुंडली हमेशा आगे निरंतर ही बढ़ेगी, कभी पीछे नहीं आएगी। जैसे मैंने कल शाम को कार्यक्रम में बात कही थी कि व्यक्ति जीवन में कभी आगे बढ़ता है, कभी नीचे डंप कर जाता है, पर ये कुंडली कभी भी ऐसी नहीं होगी। केंद्र में 2 शुभ ग्रह हो जाते हैं तो कुंडली राजयोगों का निर्धारण करने वाली। दशमांश कुंडली में लग्न में सूर्य का बैठना, भाग्य भाव बलवान, मंगल उच्च के शनि जन्म कुंडली में लग्ने, निश्चित रूप से जातक लिख करके गारंटी से दे सकता हूं धनपति बनेगा। क्या बोल दिया? हाँ, अगर कुंडली में ग्रह होते हैं, उनका प्रभाव होता है और अगर वो कुछ काम अपना करवाते हैं तो निश्चित रूप से इस जातक की कुंडली में धन की समस्या नहीं है। साहस
बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और चीजों को समझने की शक्ति इस कुंडली में कभी भी कमजोर नहीं है। इस कुंडली में कमजोर ये है कि व्यक्ति डील जल्दी करता है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा देता है, हिलता ज्यादा है, सतर्क नहीं है और कई बार जितना पूछा जाए उतना नहीं बताता, और वाणी में कई बार उतनी उच्च श्रृंखलता नहीं देखी जाती, वो उसमें थोड़ी सी कमजोरी देखी जाती है क्योंकि बुध के प्रभाव बारहवें के देखे जा रहे हैं। व्यवसायिक वर्ण का है, व्यवसाय करेगा और कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा। दशम भाव बहुत अच्छा बना है क्योंकि उच्च के चंद्रमा, उनसे केंद्र में शुभ ग्रह का उपस्थित होना, एकादशवें भाव में सूर्य, पुनर्वसु नक्षत्र में चरित्र व्यक्ति का कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। सूर्य पे शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति को सरकार और पिता से हमेशा ही लाभ मिलते रहेंगे। इस कुंडली में अभी दशा मंगल की चल रही है। 2023 के आठवें महीने से पेंडेंट बना करके गले में लाजवर तपस्या धारण कराएं और इस जातक से गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ अवश्य कराएं। 21 दुर्वा बुधवार को अवश्य अर्पित करवाइए, और बिल्कुल भी व्यक्ति के पास साहस नहीं है तो वो कभी भी नुकसान में ना जाए, इसका ध्यान रखना होगा। आलसी होगा, ये थोड़ा सा सिंह लग्न का है, इस वजह से भोजन करने के बाद व्यक्ति थोड़ा सोना चाहता है, आराम करना चाहता है और कई बार किसी भी चीज से समझौता नहीं करना चाहता, समझौतावादी नहीं है, अपनी शर्तों पे काम करेगा और किसी के पीछे लल्लो चप्पो करने वाला नहीं होता है। एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। सिंह लग्न के लोग स्थिर होकर के चलने वाले होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और परिदृश्यों में, किसी भी परिदृश्य में कभी कमजोर नहीं पड़ने वाले होते हैं। लग्न के अधिपति का लाभ में बैठना, लाभ के अधिपति का विदेश योग लगा करके बारह में बैठना या धन भाव में बैठ जाना, इसे कई प्रकार से व्यक्ति के जीवन में लाभदायक क्षेत्र को जोड़ने का कारण बन जाता है। मंगल और बुध एक दूसरे को देखेंगे तो व्यक्ति को क्रिएटिव और खेल के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता दे देते हैं। गुरु की दृष्टि सूर्य पे, इसे बहुत अच्छा संयोग कहेंगे। लाभ भाव के अधिपति को जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति मंगल ने देखा है, और साथ ही साथ मंगल और केतु व्यक्ति के जीवन को कई तरीके से उत्साह, ऊर्जा और बल देने वाले बनेंगे। पंचम भाव पे शनि की उपस्थिति, पंचमेश मेहनत में, कुंडली मिलाकर के विवाह इसलिए नहीं तो, अब यहाँ पे गुरु तुला के बैठे तो व्यक्ति खुद का रोजगार ही करे, क्योंकि दशम भाव में उच्च के चंद्रमा और सब तृतीय भाव में गुरु, तृतीय भाव के अधिपति लग्न में, ऐसी अवस्था व्यक्ति को रोजगार, प्राइवेट नौकरी नहीं, खुद का काम या तो फिर सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के योग है। पिता से हमेशा लाभ है, व्यक्ति का काम कभी भी शेयर सट्टेबाजी लॉटरी में थोड़े कम पैसे पर उससे उधर से भी लाभ होंगे क्योंकि सूर्य यहां बैठे हैं, पिता से और पिता को व्यक्ति भाग्यशाली बना देता है और खुद भी भाग्यशाली होता है। इसका अधिकार कोई छीन नहीं सकता, इसके बारे में कोई भी इसके पीठ पीछे कोई बुराई करे सामने किसी की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि सिंह लग्न का है, और वृषभ राशि का है तो मेहनती होगा, कभी खुद भी बैठेगा नहीं और नियम कानून से बंध करके जीवन की यात्रा पूरी करेगा। चंद्रमा इसके कमजोर है, इस वजह से चांदी का चंद्रमा गले में अवश्य डाल देना चाहिए। अभी ये कुंडली इतने ही बताने के लिए इशारा कर रही है, नहीं तो और भी बता देता। वैसे इसकी कुंडली में सूर्य और शनि साथ ही साथ गुरु थोड़े कमजोर हैं, पेट में वही भोजन जाए जो बिल्कुल भी व्यक्ति को नुकसान ना करे क्योंकि इसका पेट कमजोर हो सकता है। साथ ही साथ आलस्य ना करे, इसका ध्यान रखना होगा, हालांकि आलसी नहीं है, प्रमादी ना हो। प्रमाद मतलब जैसे बहुत ज्यादा शौकीन ना हो जाए, तार्किक ना हो जाए, तर्क बहुत ज्यादा करने वाला ना हो जाए, इसका ख्याल रखना होगा, समझे। अभी फिलहाल इतनी ही बात बताऊंगा, बाकी की चीज नवांश में बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बनी है नवांश की स्तुति, क्योंकि सप्तम भाव में, पंचम भाव में लग्नेश बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, जो इस कुंडली का कौन है, पंचमेश। तो व्यक्ति जितना प्रेम और जितनी रिकग्निशन मिले इस जातक को बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पंचम भाव में यहाँ बैठे, सप्तमेश पंचम में गुरु पंचम को देख रहे हैं, चंद्रमा शुक्र से केंद्र में, सूर्य पंचम भाव को यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कभी भी व्यक्ति को कमजोर क्षेत्र होते नहीं देखा जाता है। कुछ इसी तरीके से छोटे कार्यक्रम के साथ समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, शाम का कार्यक्रम भी अवश्य देखिएगा कल वाला, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।